और अभी थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ क्योंकि उधर फैक्ट्री में मशीन की साउंड की वजह से वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही थी, तो कुछ 2 मिनट जो है बातें कर लेते हैं और थोड़ा सा शांत माहौल है। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं कि काफ़ी दिन हो गया मुझे जो कि मेरा वीडियो कोई अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ काम में ऐसे फंसा हुआ हूँ जिसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा है, तो वीडियो भी जो है अपलोड नहीं हो पा रहा है। और जो है अभी फ़िलहाल कुछ टाइम है तो 2 मिनट जो है बात कर लेते हैं। जो रियलिटी अगरबत्ती बिजनेस में जो असलियत है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप कुछ टाइम पहले आप देखे होंगे कि कितनी जो है मेहनत हमें इस बिज़नेस के अंदर करनी होती है, लेकिन कई जो लोग हैं जो बिज़नेस के बारे में बताते तो सही हैं, लेकिन उनका बताना सही है, मैं मानता हूँ उनका बताना सही है, लेकिन जो रियलिटी होती है, जो रियल चीज़ होती है वो कोई नहीं बताता। जैसा कि आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसा आप देख रहे हो ये मेरा फर्स्ट मास्क, और उसके बाद अब देखो जो असलियत है अगरबत्ती बिज़नेस की। ये दूसरा मास्क, अब उसके बाद देखिए आप कहाँ कहाँ से जो है चारकोल मेरे मुंह के अंदर जो है लगा हुआ है। तो ये है असली असलियत, और जो हार्ड वर्क इस बिज़नेस में के अंदर देना होता है वो कोई नहीं बताएगा आपको। बोलेगा मशीन खरीदो, लाखों कमाओ, और जो है लोग खरीदते हैं और आके फंस जाते हैं। जो रियलिटी होती है अगरबत्ती बिज़नेस की, वो रियलिटी जो मेहनत जो करनी पड़ती है हमें, वो कोई नहीं जानता। लोगों को बस ये है कि उनका मशीन बिक जाए, उनको प्रॉफिट हो जाए, बाकी और कुछ कोई दूसरी चीज़ से लेना देना उनको नहीं होता। तो असलियत यही है, लोगों को क्यों फंसा रहे हो भाई आप, क्यों फंसा रहे? जो असलियत है बिज़नेस के अंदर, जो मेहनत है वो तो दिखाओ आप। और देखो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोयले की खदान से काम करके आया हूँ, इतना मेहनत आज जो है सवेरे से जो है इस काम में लगा हुआ हूँ, और अभी मिनिमम जो है 3 से 4 जो है बच चुके हैं। और बस यही कुछ बातें हैं जो कि लोग ध्यान नहीं देते। अगर आपको बिज़नेस में आना है अगरबत्ती बिज़नेस, ये कोई छोटा मोटा बिज़नेस नहीं है, और इसमें जो है कड़ी मेहनत, चाहे कोई भी बिज़नेस हो उसमें मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा फेस मैं साफ़ कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर बात करते हैं कि क्यों करना है आपको ये बिज़नेस, क्या ये बिज़नेस आपको ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग लगता है, या फिर आप इस बिज़नेस में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, या फिर किसी के भरोसे, मतलब किसी के कहने के भरोसे पे आप ये बिज़नेस कर रहे हो, या फिर आपको एक जो है अपना एक रोजी रोटी चलना चाहिए बस इसके लिए आप कर रहे हो, तो बिल्कुल इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अगरबत्ती बिज़नेस एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगरबत्ती बिज़नेस में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकलता। अगर आप स्टार्टिंग आपका काम है 2 साल 3 साल आपको हुए हैं तो, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप रोजी रोटी चाहते हो तो रोजी रोटी के चक्कर में आप पैसे इन्वेस्टमेंट ना करिए, जो कि आपका पुराना काम है, जो जैसा कर रहे हो आप उसी काम में आप लगे रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक जो है बिज़नेस रियल में आप करना चाहते हो, और वो है आपका विज़न। आपको एक विज़न तैयार करना होगा कि किस विज़न के थ्रू आप इस बिज़नेस में काम करोगे। क्या आपका जो है सोच है कुछ बड़ा करने का, या फिर कोई बड़े लेवल तक काम करने का, तो ही आप इसमें काम करना। या फिर आपको 2 साल 1 साल 2 साल अगर काम करना है तो बिल्कुल आप पैसा इन्वेस्टमेंट मत करिए, एक विज़न अपना तैयार कीजिए और उस विज़न के थ्रू ही अपना काम करिए, तभी आप एक सफल जो है अगरबत्ती बिज़नेस व्यवसायी आप बन सकते हो। और ये अपना एक दिमाग के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, हमें इस बिज़नेस में कुछ अच्छे से अच्छा या फिर कुछ बड़ा जो है काम करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने बातें की होगी शायद वो आपको अच्छी लगी होगी या फिर बुरी लगी होगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक्स में, और जो है कुछ टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस जो है लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ।